हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एरवा केम 7 बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर से CKMB टेस्ट लगाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम टेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे कीबोर्ड पर जाके, ये डबल क्लिक में सिलेक्ट होगा, ये स्क्रीन पर शो हो रहा है CKMB स्पिरिट वाटर बोल रही है मशीन, तो स्पिरिट डिस्टिल वाटर करा देंगे। ये अगापे की किट है, इसको ओपन करते हैं। सबका लिटरेचर अलग अलग होता है किट्स का, लेकिन मेथडोलॉजी सेम होती है। इस किट के अंदर 2 बॉटल्स निकली हैं, एक R1 एक R2। R1 अपन को 400 माइक्रोलीटर लेना है, इस तरीके से मेज़र कर लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, और 100 माइक्रोलीटर R2 लेंगे और दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में डाल के मिक्स कर देंगे। ये फैक्टर बेस्ड रहते हैं। 100 माइक्रोलीटर इसको भी टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, R2। अब 20 माइक्रोलीटर सीरम लेंगे, सीरम या सैंपल, अच्छे से मेज़र करते हुए इसको मिक्स करते हुए इमीडिएटली रन करा देंगे। इनमें कोई इंक्यूबेशन टाइम नहीं देना होता, ये फैक्टर बेस्ड, होती हैं। इन्हें फैक्टर डालते हैं मशीन में, उसी पर एस्पिरेट सैंपल करा देंगे। अब सिंपल एस्पिरेट हो रहा है, डिले टाइम के बाद रीडिंग्स होगी, तो वेट करते हैं। इसका डिले टाइम कंप्लीट हो गया है CKMB का, और इसकी रीडिंग आ गई है 22.29% का CKMB आया है। इस तरीके से हम केम 7 से CKMB टेस्ट लगाते हैं।